प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। कमलनाथ ने कोरोना और इसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में न तो कोरोना की जांच हो रही है और न ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ लोग अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और तो वहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत है। उसके बाद भी लगातार मौतें हो रही है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। ये प्रदेश सरकार भरोसा नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। सर सर यहाँ पर आ जाइए। सर ये सर पीछे हो जा। सर अरे इसको बोल रहा हूँ। अरे 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 दूर से दूर से मैं अभी छिंदवाड़ा से इंदौर पहुंचा हूं। इंदौर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश की सुख की चिंता करने कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही, उसके बाद चार दिन बाद रिपोर्ट, जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%, इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था। ये तो हालात है, और 3 महीने से पूरा मीडिया देश का छाप रहा था कि ये दूसरा वेव आने वाला है। आज इंदौर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इनबाई हॉस्पिटल बंद पड़ा है। इंदौर में भोपाल गैस का हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। क्या कितनी वैक्सीन लग रही है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दें कितनों की वैक्सीन लगी, ये सबको पब्लिक करें। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की घोषणा कर दो। ये वैक्सीन की घोषणा 18 साल की इसीलिए की गई क्योंकि चुनाव चल रहे थे, और 18 साल की उम्र से ऊपर वालों को ये चाहते थे कि इनको किसी लिए समेट लिया जाए। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। आज मैं तो प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप ये जो सच्चाई है, आज जो हमारा किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, छोटा छोटा व्यापारी त्रस्त है, ये सब सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और भाजपा की हार पर भी कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ ने कहा है कि यह चुनाव देश के सबसे बड़े चुनाव थे और इस चुनाव में ममता बनर्जी ने पूरी भाजपा और उसके बड़े नेताओं को मात दी है। हालांकि ममता बनर्जी को 2024 में UPA की तरफ से PM पद का उम्मीदवार घोषित करने के सवाल को कमलनाथ टाल गए। कमलनाथ ने कहा है कि बंगाल में जीत के बाद अब ममता बनर्जी का देश में कद बढ़ा है और उनको जीत की बधाई देने के साथ ही मध्य प्रदेश में आने का न्योता भी दिया गया है। जानते हैं ये UPA तय करेगा, UPA तय करेगा, पर मैं जरूर ममता जी को इंदौर भी आमंत्रित करूंगा। प्रदेश में इतनी मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? हाँ, प्रदेश में कोरोना से इतनी मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? राज्य सरकार में भाजपा की सरकार,
केंद्र में भाजपा की सरकार, तो किसको दोषी मांगने? क्या पब्लिक को दोषी मांगने? ये क्या पूछने का प्रश्न है? आज दोषी केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। इन्होंने लाशों पर राजनीति करी है, इनको जनता की चिंता नहीं थी। मैं जहाँ मेरे से हो रहा है, मैं प्रदेश की हर जगह जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इंजेक्शन की मैंने बात करी, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करी कि आप मध्य प्रदेश का कोटा बढ़ाइए। मैंने बात करी कि ऑक्सीजन पहुँचाएँ, और जहाँ जहाँ मुझे खबर आती है, मुझे तो दिन भर तो यही काम मैं करता हूँ। अभी कोरोना काल में कांग्रेस के कई नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और आज हिंसा को लेकर, बंगाल की हिंसा को लेकर देश भर में, इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति, और जो मैंने अभी सुनी है, मैंने सब विधायकों से, अपने अध्यक्षों से चर्चा करी है कि किस प्रकार प्रशासन भी इस राजनीति पर उतर आई है। रेमडेसिविर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को बांटा जा रहा है, जो ब्लैक में बेच रहे हैं, ये भी उन्होंने व्यापार बना लिया। ये हालत है। क्या ये बात आप सबसे पूरे मीडिया से छिपी हैं? ये बात आप सबको एहसास करनी है कि यही समय है, यही मौका है। पूरे देश के मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब दिखा रहा है, पर हमारे देश का मीडिया जनता के साथ नहीं खड़ा। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है। छिंदवाड़ा से विशेष विमान से कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जिसके बाद वे यहां से भी सड़क मार्ग द्वारा झाबुआ रवाना हुए। यहां के कांग्रेस विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया के निवास पर उनके शोक कार्यक्रम में उगराया सौदेबाजी की राजनीति। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, कांग्रेस का साथ या कमलनाथ का साथ तो बाद में दिया, पर सबसे पहले दमों के मतदाताओं ने सच्चाई का साथ दिया। सर, ममता बनर्जी आज शपथ ले रही हैं, क्या 2024 में वो विपक्ष का चेहरा हो सकती है मोदी के सामने? देखिए, मेरी ममता जी से परसों बात हुई थी। मैंने उन्हें, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, यूथ कांग्रेस के समय से, जब वो यूथ कांग्रेस की सदस्य भी नहीं थी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने उन्हें मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है, वो हमारे UPA की सदस्य हैं, आमंत्रित किया है कि आप खोलिए। किस प्रकार ममता को पूरे केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा, मोदी जी से लड़ना पड़ा, उनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, उनके विधायकों से लड़ना पड़ा, CBI ED इनकम टैक्स से लड़ना पड़ा, और फिर भी उन्होंने उन सबको ऐसे लात मार के भगाया है। अब आज उनका प्रयास है कि बोलो हिंसा हो रही है। अब हिंसा गलत है, ये रास्ता बहुत गलत है। मैंने भी ममता जी को कहा कि हिंसा से आप सबको कहिए दूर रहें, पर आज ममता जी हमारे देश की अब नेता हैं, तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री बनी है, और ऐसे मुकाबले के बाद मुख्यमंत्री बनी है, ऐसा चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ जिस प्रकार का चुनाव बंगाल में हुआ है। अरे ठीक है, माइक दूर रहो यार, दूर रहो। सर, वर्तमान प्रदेश की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहें? मैं अभी छिंदवाड़ा से इंदौर पहुँचा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तब्रेज खान की रिपोर्ट।